वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स। एज वी ऑल नो कि 2 मार्च को आप लोग का साइंस का सीबीएसई का 10th बोर्ड का एग्जाम है। नाउ अगर हम लोग बात करें 10th बोर्ड के केमिस्ट्री पोर्शन की, तो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का आएगा। और हमें पता है केमिस्ट्री का कोई भी आंसर अगर हम लोग विदाउट रिएक्शन लिखेंगे तो विदाउट रिएक्शन के आंसर्स के आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आज हम लोग एट गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स क्या करेंगे, केमिस्ट्री की सारी सारे चैप्टर्स की रिएक्शंस एक साथ स्टडी करेंगे और 45 मिनट्स में आपका पूरा केमिस्ट्री का कोर्स के रिएक्शंस को कवर करेंगे। राइट, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर केमिस्ट्री का होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और हमें एक बात पक्के से पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस पर आने वाला है, क्योंकि हमें पक्के से पता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शंस पर डेफिनेटली आएगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रिएक्शंस ऑफ कार्बन एनर्ज कंपाउंड्स। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमें कार्बन एनर्ज कंपाउंड से पढ़ना है वो है कंबशन रिएक्शन। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट अगर आप याद रखोगे, कौन सा, दुनिया में जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलेगा तो प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, अल्कोहल इथेनॉल बर्न्स इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, यानी कि प्रोडक्ट तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी ही रहेगा, चाहे मीथेन को कंबस्ट करो, चाहे इथेनॉल को, चाहे इथेन को। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड केमिकल रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए बहुत सिंपल फंडा याद रखना है, जब हम लोग इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड पे इथेनॉल और राइट साइड पे इथेनोइक एसिड इज योर मंत्रा फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखने हैं, अल्कलाइन KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जिसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है इथेनॉल इथेनोइक एसिड, और एरो पे 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम लिखेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। राइट, अब अगर ये क्वेश्चन XYZ के फॉर्मेट में आता है, ABC के फॉर्मेट में भी आता है, तो आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड पे इथेनॉल, राइट साइड पे इथेनोइक एसिड। मूविंग ऑन टू योर थर्ड रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के काम आती है। एक नॉर्मल भाषा में बोले तो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने को आती है, इथीन को इथेन में, प्रोपीन को प्रोपेन में, ब्यूटीन को ब्यूटेन में। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो इथीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ऐड किया, इसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो मेरे पास क्या बन गया, इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हर एडिशन रिएक्शन में सी एक डबल बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिंगल बॉन्ड बनेंगे। अगर यहाँ इथीन की जगह हम लोग प्रोटीन लेते तो प्रोटीन का बन जाता प्रोपेन। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का। फिर से अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन ही हमें प्रोवाइड करती है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन रेड कलर का होता है। अगर ब्रोमीन वाटर को मैं किसी अल्कीन में डालूंगी, तो वो अल्कीन के अंदर ऐड हो जाएगा और उसको डीकलराइज कर देगा, ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा। यही ब्रोमीन वाटर अगर मैं किसी अल्केन में डालूंगी तो ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, तो वो ब्राउन रेड कलर दिखता रहेगा। तो हम लोगों ने अभी 3 रिएक्शन
रिएक्शन देखी कार्बन एनेक्स कंपाउंड्स की। फर्स्ट रिएक्शन थी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। कंबशन रिएक्शन सैचुरेटेड में कैसी होती है, अनसैचुरेटेड में कैसी होती है, सूटी फ्लेम कब निकलता है, नॉन सूटी फ्लेम कब निकलता है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। बट क्योंकि करंटली हमारा फोकस है प्राइमरीली सिर्फ रिएक्शन को लर्न करना और समझना, तो कार्बन से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन उसके बाद हमने देखी थी वो देखी थी हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और फिर हम लोगों ने देखी थी एडिशन रिएक्शन। कार्बन की जो फोर्थ मेजर रिएक्शन होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें प्राइमरीली यहाँ पर सिर्फ क्लोरीनेशन रिएक्शन पढ़ना है, यानी कि हाइड्रोजन को हटाओ क्लोरीन को लगाओ, हाइड्रोजन को हटाओ और क्लोरीन को लगाओ। तो हम यहाँ देखेंगे हमने मीथेन लिया है CH4। मीथेन में जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन में एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl बना लेगा एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और जो दूसरा क्लोरीन है वो यहाँ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन की जगह पर, तो यहाँ पर बनेगा क्लोरोमीथेन, यहाँ पर बनेगा क्लोरोमीथेन। यही रिएक्शन जब सेकेंड टाइम होगी तो ये जो क्लोरोमीथेन यहाँ फॉर्म हुआ है इसमें हम लोग फिर से क्लोरीन ऐड करेंगे। इसमें से अगेन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और उसके बाद दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखें सिर्फ अल्केन्स में होता है, अल्कीन्स और अल्काइन्स में नहीं होता। तो यहां पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन की पहली चार इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस खत्म होती है। सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस जो हमें पढ़ना है वो दो मेजर रिएक्शन है, किसकी, अल्कोहल की। किसकी, अल्कोहल। अल्कोहल में हमें प्राइमरीली पूरा फोकस इथेनॉल पे रखना है। एच मतलब दो कार्बन, ओल मतलब अल्कोहल, तो इथेनॉल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो कार्बन है, एक ये और एक ये, CH3CH2OH इथेनॉल है और यहाँ पर साथ में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ। अब सोडियम के साथ कार्बन एनएच कंपाउंड्स में एक महावाक्य याद रखना, एच को हटाओ एनए को लगाओ। जहां जहां आपको हाइड्रोजन यहाँ टर्मिनल दिख रहा है इस हाइड्रोजन की जगह आपको क्या लगा देना है, एनए लगा देना है और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सोडियम की रिएक्शंस हमें ना सिर्फ यहाँ पढ़नी है, हमें यही रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़नी है, वहां पे भी हमारा सेम मूल मंत्र काम करेगा, एच को हटाओ एनए को लगाओ। तो यहाँ जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो एच को हटाया और इसकी जगह सोडियम लगा दिया तो मेरा कंपाउंड बन गया CH3CH2ONA, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलर दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमें पढ़नी है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हेन आई से इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसका मतलब ये किसी भी चीज में से पानी निकाल देगा, यानी कि किसी भी रिएक्शन में आपको H2SO4 दिख रहा है तो आपका एक प्रोडक्ट आप हमेशा याद रखेंगे वाटर ही होगा, एक प्रोडक्ट आप हमेशा याद रखोगे वाटर ही होगा। मैंने यहाँ इथेनॉल लिया, मैंने यहाँ प्रोपेनॉल लिया CH3CH2OH, इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, H2O बाहर हो गया और हम लोग यहाँ अल्कोहल को एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन में कन्वर्ट करें, प्रोपेनॉल प्रोपीन बन जाएगा, इथेनॉल इथीन बन जाएगा, ब्यूटेनॉल ब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है प्रोपेनॉल, ऐड किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो तीन कार्बन प्रोप एक डबल बॉन्ड ईन, तो यहाँ क्या बना, प्रोपीन प्लस वाटर रिलीज हो गया। यहाँ पर तुम्हारी अल्कोहल की दोनों रिएक्शंस क्या होती है, खत्म। मूविंग ऑन, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होता है। अगर हमें इस बात का प्रूफ देना हो तो हम लोग ये बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड
कैसे बिहेव करता है, जैसे नॉर्मल एसिड्स बिहेव करते हैं, यानी कि वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, जब वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जब वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब एसिड तो कौन सा लेना है, इथेनोइक एसिड। एसिड कौन सा लेना है, इथेनोइक एसिड। अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने जो मेटल लिया है वो लिया है सोडियम Na, बेस लिया है NaOH, मेटल कार्बोनेट लिया है Na2CO3 और मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है NaHCO3। Na के सॉल्ट्स लेने का फायदा ये है कि हमारा कॉमन रूल अप्लाई होगा 1, 2। NCERT में भी सॉल्ट्स Na के ही दिए हैं। रूल क्या है, H को हटाओ Na को लगाओ, H को हटाओ Na को लगाओ, यानी कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसकी जगह सोडियम आ जाएगा, इसकी जगह सोडियम आ जाएगा, और यहाँ जो गैस रिलीज होगी सिर्फ मेटल के साथ हाइड्रोजन, बेस के साथ वाटर, कार्बोनेट के साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन, राइट। तो ये जो मेरी चार रिएक्शन है ये एक मिनट में याद होगी सिर्फ एक रूल के साथ, एच को हटाओ Na को लगाओ, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लोग कहेंगे सोडियम एथेनोएट। क्या कहेंगे, सोडियम एथेनोएट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस रिलीज होगी तो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होगी। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है पानी में से बुलबुले निकलेंगे बहुत फास्ट फास्ट। जो लास्ट टू रिएक्शन है ये एक टेस्ट की तरह यूज होती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड इथेनोइक एसिड या अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये हुआ कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ऐसे में जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यानी कि ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगी। यही चीज को सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के जब आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके साथ हमें डील करना पड़ता है कार्बन में और जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, वो होती है एस्टरिफिकेशन, डीएस्टरिफिकेशन एंड सेकोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर इन रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज होगा। अब अगेन क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज हो रहा है दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये किसी भी चीज में से झटपट से क्या कर सकता है, पानी निकाल सकता है। और अगेन क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रही हूँ तो प्रोडक्ट में हमेशा क्या आएगा, वॉटर आएगा। यहाँ मुझे रिएक्शन किसकी करवानी है, इथेनोल CH3CH2OH, इसको उल्टा इसके लिखा है ताकि आप पानी इजिली निकाल सको, और इथेनोइक एसिड CH3COOH, तो H और OH मिलकर, H और OH मिलकर पानी निकाल लेंगे। क्यों पानी निकालेंगे, क्योंकि एरो पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो बचा हुआ है वो एज इट इज मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे हम लोग एस्टर कहते हैं। बचा क्या है, CH3COOCH2CH3, इसे हम लोग कह देंगे इथाइल इथेनोएट, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। अगर मुझे इसी रिएक्शन को उल्टा करना है, इसी रिएक्शन को रिवर्स करना है तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह सोडा लाइम लूंगी, और ये जो रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये रिएक्टेंट्स बन जाएंगे एस्टर CH3COOCH2CH3। इसमें वाटर ऐड करेंगे, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, तो मेरा एसिटिक एसिड और मेरा इथेनॉल मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में यहाँ जो H लगा रखे उसकी जगह Na आ जाएगा और ये जो OH है ये अल्कोहल बना लेगा। तो हम जब सेपोनिफिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग एस्टर में NaOH ऐड करेंगे, एस्टर में NaOH ऐड करेंगे, और ये जो है CH3COONa और CH3CH2OH, इसको यहां से तोड़ना, इधर पे Na डाल देना और इधर पे OH डाल देना, ओके। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर और रादर से सबसे कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर कार्बन क्या होता है खत्म होता है, ओके। नाउ अगेन एट गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स हम लोग विद इन 10 to 15 minutes चैप्टर 1 केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की सारी रिएक्शंस बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे, कवरिंग ऑल द मेजर एंड माइन्यूट डिटेल्स, छोटी से छोटी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे ताकि आपको
किसी भी पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो इन सारी चीजों को लेकर क्लियर हो और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसमें हम लोग कोई भी माइन्यूट डिटेल छोड़ दें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन से चार रिएक्शंस याद रखनी है जिसमें से सबसे पहली रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन। तो मैग्नीशियम रिबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। अब ध्यान रखने वाली चीज, मैग्नीशियम रिबिन अपने आप में सिल्वर कलर की होती है। रिएक्शन में से पहले हमें मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करना है सो दैट अगर इस पे कोई एग्जिस्टिंग ऑक्साइड लेयर हो तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए अगर आपको रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन हमेशा लिखा होगा बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन ऑक्सीजन और रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। याद रखना है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो व्हाइट कलर की एश जैसा दिखता है, सफेद राख जैसा दिखता है और ये बर्न करता है डार्जलिंग व्हाइट लाइट यानी कि चमचमाती व्हाइट लाइट के साथ। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। मूविंग ऑन विद द सेकेंड रिएक्शन, वो होती है बर्निंग ऑफ कार्बन। जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं जैसे कि कार्बन, कोक, कोल, ग्रेफाइट। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा अलॉन्ग विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप में कलरलेस ओडरलेस गैस होती है और ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो थर्ड रिएक्शन हमें पढ़नी है वो है स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग कॉमन भाषा में कहते हैं क्विक लाइम, जब इसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा CaOH2 यानी कि स्लेक्ड लाइम और जो व्हाइट कलर होगा और जो व्हाइट एंड कलर होगा और ये व्हाइट वॉशिंग यानी कि पुताई में काम आता है। ठीक है, इसे हम लोग स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं। अगेन ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये स्लेक लाइम और ये लाइम वाटर इज वाइडली यूज एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, उसका मतलब ये होता है कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम से मैं हाइड्रोजन ऐड किया, लाइम वाटर बनाया और ये जो लाइम वाटर बनाया इसको जब इसपे से जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगी तो मुझे मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 जो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम लोग केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट कहते हैं और इसके दूसरे कॉमन नेम्स होते हैं मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन और एक्शेल्स। ठीक है, अगर हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो लाइम वाटर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट नहीं होता, वो पानी में सॉल्युबल होता है। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर हमारा कौन सा रिएक्शन खत्म होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म होता है। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर टॉपिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो तीन तरह का डीकम्पोजिशन होता है, थर्मल, फोटो और डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन यानी कि डीकम्पोजिशन बाय हीट, जहां हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। पहला कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा जिसे हम लोग क्विक लाइम बोलते थे, जिसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे तो स्लेक लाइम बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब जब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं तब क्विक लाइम बना, इसमें मोटर ऐड किया तो स्लेक लाइम बनेगा, स्लेक लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करोगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा यानी कि हम लोग इस रिएक्शन के रिएक्टेंट पे आ जाएंगे। ये है तुम्हारी फर्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हम लोग सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते तो हमें ध्यान रखना है फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है या रादर रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसके साथ दो गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसका स्मेल होता है, स्मेल कैसा होता है, बर्निंग मैचस्टिक जैसा, बर्निंग सल्फर जैसा, या फिर केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए एक वर्ड यूज होता है पंजिंग स्मेल। अब क्लोरीन की स्मेल भी पंजिंग होती है और SO2 और SO3 की स्मेल भी पंजिंग होती है। नेक्स्ट लेड नाइट्रेट PbNO3 थर्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
जिसको अगर हम लोग लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का होता है जब इसे हम लोग हीट करेंगे तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। अब याद रखना है लेड ऑक्साइड येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है उसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं और ऑक्सीजन अपने आप में कलरलेस ओडरलेस गैस होती है जो कंबशन को सपोर्ट करता है। जब एग्जाम में एक्स वाई जी ए बी सी वाले क्वेश्चन आते हैं कि अ कंपाउंड ए अ कंपाउंड बी रिलीजेज अ गैस एक्स, तो हमें गैस के सारे फीचर्स क्या होने चाहिए पता होने चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्वेश्चन में कौन सी बात दी हुई है। मूविंग ऑन, डिकम्पोजिशन का सेकेंड पार्ट होता है फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ दो रिएक्शन आपको प्राइमरीली याद रखनी है बिल्कुल एक जैसी, एक AgCl और एक AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसके ऊपर लाइट फ्लो करेंगे तो Ag यानी कि सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी। क्लोरीन गैस एक कलरलेस गैस होगी बट इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल जिसका स्मेल स्विमिंग पूल के वाटर जैसा होता है, और AgBr जो होता है वो एक ब्राउन कलर का गैस होता है। दिस इज व्हाट योर फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स। थर्ड चीज जो हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़नी है वो है डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज याद रखना, डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन इज वाइडली यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी में हमें वॉटर का डिकम्पोजिशन पढ़ना है। वॉटर को जो हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसेस रिलीज होगी। याद करने वाली बात यह है कि डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं सो दैट इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। सेकंड, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे ऑब्टेन होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये छोटी छोटी डिटेल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से बोलता है चल भाग। यानी कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे कि सी वो एक कम रिएक्टिव मेटल को ए को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से भगा देगा और ए अकेला हो जाएगा और सी बी के साथ कंपाउंड बनाएगा। कॉपर, इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। याद रखना कॉपर के सारे सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस यूजुअली ब्लू कलर में ही होते हैं, और जब आयरन कॉपर को बोलेगा चल भाग तो FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जो ग्रीन कलर का होता है। अगेन ध्यान रखना Fe के सारे सॉल्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं यूजुअली, और कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द आयरन मेल इन पैचेस। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है इसके लिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज याद करनी है, जैसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसका भी हमने एक निमोनिक बनाया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर हैज सेव्ड गोल्ड। तो यहां पर पी मतलब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड द एंटायर थे, ठीक है। तो ये चीजें क्या रखेंगे याद रखेंगे। यहां से एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि कॉपर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं होती है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर लाया करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस सॉरी हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर लाया करता है इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरिन आपके पास दो एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं एक ए बी और एक सी बी। रिएक्शन के बाद ये अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि ए की जगह सी चला जाता है और सी की जगह ए आ जाता है। यहाँ पर आपको प्राइमरी सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल जो याद रखना है वो याद रखना है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और NaCl और BaSO4 बनेगा। बेरियम सल्फेट BOSO4 एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है यानी कि ऐसा सॉल्ट जो पानी में डिजोल्व नहीं होता, और NaCl एक्वस सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो आपको यहां पर याद रखनी है और जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो दी हुई है लेड नाइट्रेट PbNO3 जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये एनसीईआरटी का सेकेंड एक्टिविटी है तो वो KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड का एक येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। सिमिलरली जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaNO3 बनेगा, AgCl is
सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सॉल्ट होता है जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जहां से रिएक्शंस आती है इस चैप्टर में वो है रिडॉक्स। रिडॉक्स में रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का आना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना। प्योर रिडॉक्स रिएक्शन में Na प्लस O2 Na2O बनाएगा, ऑक्सीजन गेन हुआ ऑक्सीडेशन, Na प्लस H2 Na बना रिडक्शन हुआ। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। PbO प्लस C gives CO प्लस Pb, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन गया रिडक्शन, इसके पास ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन। CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O, यहाँ से ऑक्सीजन गया रिडक्शन, इसके पास ऑक्सीजन आया ऑक्सीडेशन। सिमिलरली MnO2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, MnO2 के पास से ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन, हाइड्रोजन के पास HCl क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीडेशन। दीज आर योर रिडॉक्स रिएक्शंस। मूविंग ऑन, इस चैप्टर की लास्ट सेट ऑफ रिएक्शंस जो अगेन आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी काम आएगी वो है कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है मेटल की सरफेस का खराब होना। हमें चार मेटल्स की कोरोजन की स्टडी करनी है। पहला आयरन, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाएगा Fe2O3.XH2O। सिल्वर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके Ag2S बनाएगा, इसलिए सिल्वर के आर्टिकल्स ब्लैक हो जाएंगे। कॉपर, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। लास्टली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बनाएगा जो प्रोटेक्ट करेगा एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोजन से। यहाँ पर इस सेगमेंट पर हमारी चैप्टर वन केमिस्ट्री की सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म होती है। ओके, नाउ एट गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स अब हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स का वेरी क्विक रिवीजन करेंगे, वेरिन हम इसकी सारी केमिकल रिएक्शंस कवर करेंगे। प्राइमरीली एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हमें जो रिएक्शंस कवर करनी है वो पांच मेजर रिएक्शंस कवर करनी है। एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। क्यों? बिकॉज जनरली बेसिस जो हैं वो एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं और वो मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और उसको HCl से रिएक्ट कराया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ठीक है, जिंक जो है एक ऐसा मेटल है जो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए जिंक जब NaOH यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जिंकेट बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड जो हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड लिया हम लोगों ने HCl, मेटल लिया बेस लिया हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ जो मेरा सॉल्ट बनेगा वो बनेगा MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड HCl बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इसके साथ हमारे पास क्या बनेगा सॉल्ट एंड वाटर दैट इज NaCl प्लस H2O। एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एसिड अगेन HCl, मेटल कार्बोनेट कौन सा रहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाई हैव वी टेकन कैल्शियम कार्बोनेट हियर इज बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट के जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ये लाइमस्टोन होता है, ये मार्बल होता है, ये आपके एक्सेल्स में भी होता है और ये आपके चॉक पाउडर में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। सिमिलरली HCl को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड में हमें यही पांच रिएक्शंस प्राइमरीली पढ़नी है।
अगर इसकी आपको डिटेल रिएक्शंस चाहिए तो हमारे पास इसका कंप्लीट चैप्टर जो हमारे वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल है लेक्चर बाय लेक्चर। अब अगर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को आप एज अ चैप्टर देखोगे तो वहां पर आपको इसके बाद आएगा हाउ डू वी डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, और पीएच, पीएच की रेलेवेंस, पीएच का इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, ये सारी चीजें बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसलिए हम लोग उसे यहाँ कवर नहीं कर रहे हैं। बट अगेन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी स्पेसिफिकली मेंशन जहां पर हर एक वीडियो का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है ऑन गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स। मूविंग ऑन टू सॉल्ट, जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आता है वो है सॉल्ट्स का। बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है, हमें चार सॉल्ट्स सोडियम में से पढ़ने हैं और दो सॉल्ट्स कैल्शियम के पढ़ने हैं। तो जब हम लोग चार सॉल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला सॉल्ट है NaCl जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। दूसरा एक बेस है जिसे हम लोग कहते हैं NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा। थर्ड है बेकिंग सोडा, दैट इज NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फोर्थ सॉल्ट है वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज Na2CO3.10H2O। रिएक्शन के नाम पर इन चारों सॉल्ट्स में हमें सिर्फ इनका फॉर्मेशन स्टडी करना है। अगर मुझे NaCl लैब में प्रिपेयर करना है तो मुझे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को रिएक्ट करवाना है तो मेरे पास NaCl और H2 बनेगा। अगर मुझे NaOH बनाना है दैट इज कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए प्रोसेस का नाम बहुत स्पेसिफिक होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो क्लोर मतलब क्लोरीन गैस रिलीज होती है, एल्कली ऐसा बेस होता है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो NaOH एक ऐसा बेस है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है। देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन प्रोसेस में, क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करते हैं, दैट इज NaCl + H2O। NaCl + H2O इज बेसिकली ब्राइन। ब्राइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सॉल्यूशन में मुझे NaOH मिलेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है हमारे पास हाइड्रोजन के यूजेस, कॉस्टिक सोडा के यूजेस और क्लोरीन के यूजेस, ये तीनों यूजेस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाय हार्ट लर्न करने हैं। मूविंग ऑन, कमिंग टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्योंकि अगेन सोडियम का सॉल्ट है, तो सोडियम का सॉल्ट है तो NaCl तो होगा ही, प्लस दो कॉमन चीजें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गैस, इन सबको मिलाएंगे तो मुझे बेकिंग सोडा बनाना था, तो बेकिंग सोडा बन गया, दैट इज NaHCO3 + NH4Cl, दैट इज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NaHCO3 जो होता है बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा प्लस सम वीक एसिड लाइक टार्टारिक एसिड जो इन बेकिंग यूज होता है। अगर बेकिंग सोडा के दूसरे यूजेस की बात की जाए तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है क्योंकि एक बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है, तो ये एज एन एंटासिड भी यूज होता है क्योंकि हमारे स्टमक की एक्सेसिव एसिडिटी को क्या करता है, खत्म कर देता है। अगर मुझे रिएक्शन आती है यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर तो मैं बोलूंगी NaHCO3 में जब हम लोग एसिड डालेंगे तो Na का कोई सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन एयर कंबस्टेबल सब्सटेंस को कवर कर लेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देगा। और अगर इसको बेकिंग में यूज करेंगे तो अगेन द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज केक्स और पकौड़ास को फ्लफी बनाएगा, ये गैस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो लास्ट सॉल्ट हमें देखना है वो देखना है वॉशिंग सोडा सोडियम के सॉल्ट में, तो हमें कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करेंगे तो Na2CO3 + H2O + CO2 बनेगा, जिसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O, दैट इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करें तो ये सोप और डिटर्जेंट्स बनाने के काम आता है, वाटर में से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है, सोडियम के दूसरे कंपाउंड्स बनाने के काम आता है। NaCl एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, ये एज एन एडिटिव इन फूड यूज होता है और सोडियम के सारे कंपाउंड्स बनाने के काम भी आता है। इसके बाद हमें दो सॉल्ट्स कैल्शियम के पढ़ने हैं।
अब ये दो सॉल्ट जो कैल्शियम के हमें पढ़ने हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करनी पड़ती। जब हम ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करेंगे तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इसे हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम इज डिफरेंट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है। और ब्लीचिंग का जो एजेंट है, आपको ब्लीच करना है पेपर को, आपको ब्लीच करना है कॉटन को, वो सब क्लोरीन गैस एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होती है। प्लस क्लोरीन गैस ये स्विमिंग पूल्स में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के भी काम आती है। ड्रिंकिंग वाटर को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन गैस काम आती है। लास्ट इज POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पैरिस जिप्सम CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। इसको 373 केल्विन पे बर्न करने पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम लोग POP कहते हैं। और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। POP की सेटिंग की रिएक्शन बिल्कुल उल्टी होती है। जब हम लोग POP में पानी डाल देंगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा और ये हार्ड सॉलिड मास होगा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में काम आता है, आर्टिफैक्ट्स बनाने के काम आता है, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के काम आता है, डेंटिस्ट्री में आर्टिफिशियल टूथ बनाने के काम आता है। विथ दिस योर एसिड बेसिस सॉल्ट्स का केमिकल रिएक्शन इज ओवर। कमिंग टू योर थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स पे हम लोग इस चैप्टर का क्विक रिविजन करेंगे विद इन 10 मिनट्स, वेर इन इस चैप्टर की हम लोग सारी की सारी केमिकल रिएक्शन रिवाइज करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जो दो तरीके के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे, जो अगेन दो तरह के होते हैं, या तो एसिडिक ऑक्साइड या तो न्यूट्रल ऑक्साइड। मूविंग ऑन टू बेसिक ऑक्साइड, अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड होगा, वो पानी में डिजोल्व होकर बेस बनाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। K+O2 पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड। अगेन ये पानी के साथ हाईली, दोनों पानी के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाएंगे। तो एयर के साथ ऑक्साइड्स बनेंगे और पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद ये बेसिस फॉर्म करेंगे। दो ऑक्साइड्स जो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं वो है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो हमने कहा जिंक प्लस ऑक्सीजन वुड गिव अस जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन वुड गिव अस एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब हमें प्रूव करना होगा कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्यों है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इसलिए है क्योंकि ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी। जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बनाएगा। बेस के साथ रिएक्ट करके ये Na2ZnO2 बनाएगा यानी कि सोडियम जिंकेट। Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाएगा और वाटर बनाएगा। और Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaAlO2 बनाएगा, दैट इज सोडियम एल्युमिनेट। तो जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ भी रिएक्ट किया, बेस के साथ भी रिएक्ट किया। एल्युमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ भी रिएक्ट किया और बेस के साथ भी रिएक्ट किया। ऐसे ही ऑक्साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कमिंग टू नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स कन्फर्म करेगा। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपॉन रिएक्शन विद वाटर नाइट्रस एसिड बनाएगा, ये pH पेपर को रेड कर देगा। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वुड फॉर्म कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे जो पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। सो दीज आर आवर सेट्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स, ये सारे हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। जब हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा तो वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाएगा तो अगेन वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, अगेन वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड। सो दिस
मीन्स आर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. अगर हम लोग मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस वाटर के साथ देखें तो नॉन मेटल्स जनरली पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो हमारे पास पढ़ने को जो रिएक्शन रह जाती है वो होती है मेटल्स की. मेटल्स दो तरीके से रिएक्ट करते हैं. एक सेट ऑफ मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे. दूसरे सेट ऑफ मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन बनाएंगे. दोनों में फर्क क्या होगा? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे विद हाइड्रोजन गैस, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. इतनी एक्सोथर्मिक कि सोडियम और पोटेशियम को पानी में रखें तो आग लग जाती है, इसलिए ये दोनों कैरोसिन ऑयल में स्टोर होते हैं. अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का रिएक्शन लेस विग्रस होगा, लेस एक्सोथर्मिक होगा इन कंपेरिजन टू सोडियम और पोटेशियम. लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो कैल्शियम है वो पानी पे फ्लोट करता है. कैल्शियम पानी पे क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैल्शियम के साथ स्टिक हो जाते हैं और उसको ऊपर लेकर जाते हैं. सिमिलरली मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये भी फ्लोट करता है ड्यू टू हाइड्रोजन गैस बबल्स. मूविंग ऑन, अब वी हैव थ्री सेट्स ऑफ मेटल जो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, जो गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ये सीधे रिएक्ट करेंगे स्टीम से. कौन से? आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम. ये स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्साइड्स न बनाते हुए ऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ZnO प्लस हाइड्रोजन, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन. जो नेक्स्ट रिएक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में है वो है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. बट क्योंकि ये रिएक्शन हमने एसिड्स में पढ़ी है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो हम ये रिएक्शन रिपीटेटिवली वापस नहीं पढ़ेंगे. ध्यान रखने वाली बात ये है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई इज हाइड्रोजन गैस नॉट रिलीज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड? बिकॉज वन, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर. अगर कुछ हाइड्रोजन बनता भी है तो ऑक्सीजन उसमें ऐड करके उसे पानी बना लेता है एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. हालांकि दो मेटल्स के नाम याद रखने, मैंगनीज और मैग्नीशियम. मैंगनीज और मैग्नीशियम बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मेटल्स नॉन मेटल्स में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 में कवर करी हुई है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड. अगेन वन ऑफ आर अदर वीडियोस गुरुकुल फॉर जूनियर्स के एसिड बेसिस मेटल्स नॉन मेटल्स के लेक्चर 4 में इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड्स फुली एक्सप्लेन्ड है विद देयर प्रॉपर्टीज. ओके, मूविंग ऑन. जो लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है इस चैप्टर का, वो है मेटलर्जी, कि एक मेटल को आप अपनी ओर में से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो. उससे एसोसिएटेड सारी केमिकल रिएक्शंस यहाँ कवर्ड है. एग्जाम में 3 पार्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एंड हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो जब हम लोग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो हमें दो मेटल्स पढ़ने हैं, एक मर्क्यूरी और एक कॉपर. मर्क्यूरी HgS के फॉर्म में होता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये HgO यानी कि मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग. इस प्रोसेस को रोस्टिंग इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. एग्जाम में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंसेस भी आते हैं. कैल्सिनेशन हम लोग कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं जिनमें CO3 आता है, जिनको हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यूज हीट करते हैं और इन मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मेटलर्जी. मेटलर्जी बेसिकली क्या होता है? एक मेटल को उसकी ओर से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. मिनरल मेटल में से निकलती है ओर, मतलब वो मिनरल जिसमें से आप एक मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो उसकी ओर होती है. ओर के अंदर कुछ फिजिकल इम्प्योरिटीज होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं GAN, GANGUE, राइट. अब हम लोग बात करें कि अगर मेरे को मेटल को उसकी ओर में से एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें पहला स्टेप फॉलो करना होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है उस ओर में से हम लोग सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज रिमूव कर देते हैं, ठीक है. तो जब हम एक ओर में से उसकी सारी फिजिकल
इम्प्योरिटीज रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हम लोग मेटल को क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से सारी उसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं, जिसके लिए अलग अलग प्रोसेस यूज होती है, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लॉक रोटेशन और ग्रेविटी सेपरेशन और लीचिंग। बट ये सारी 10th क्लास CBSE के सिलेबस में नहीं है। जो स्टेप टू होता है ओर को कन्वर्ट करने, जो स्टेप टू होता है एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, वो होता है कन्वर्जन ऑफ इट्स ओर इनटू ऑक्साइड, जिसके हम लोग दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक रोस्टिंग और एक कैप्सुलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओर को उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी होता है, तो उसका जवाब होता है कि एक मेटल को उसके कार्बोनेट और सल्फाइड और अदर दूसरे कंपाउंड्स से एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है, अगर हम उसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका रिडक्शन आसान हो जाएगा। इसके दो तरीके होते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग एन ओवन इन एब्सेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन इज हीटिंग एन ओवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ये कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड की ओर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, जिंक कार्बोनेट की ओर को जब हम लोग हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो थर्ड स्टेप होती है वो होती है रिडक्शन ऑफ ओर टू मेटल। हमारी पहली ओर है HgS सिनेबार, जिसको हम लोग रोस्टिंग करेंगे तो ये HgS प्लस O2 would give me HgO प्लस SO2। इसके रिडक्शन के लिए इसे सिंपली हीट करना है तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड जो हमें ओर देखनी है वो है चार्कोलाइट यानी कि कॉपर की ओर। अगेन पहले इसको क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, जिससे मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। मूविंग ऑन टू मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टर की सीरीज। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टर की सीरीज में हमें दो मेटल्स लेने हैं, दो रिड्यूसिंग एजेंट्स लेने, एक कार्बन और एक एल्यूमिनियम। कार्बन की जो रिडक्शन होगा वो जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट को या जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करने काम आएगा। जिंक सल्फाइड का पहले रोस्टिंग करेंगे, जिंक कार्बोनेट का पहले कैल्सिनेशन करेंगे, जो रिजल्टिंग जिंक ऑक्साइड आएगा वो कार्बन से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन छीन लेगा जिंक से और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक बनाएगा। मूविंग ऑन, सेम इज द केस विद लेड ऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम के साथ MnO, मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 प्लस Al would give me Fe प्लस Al2O3। इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन। इसमें हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है और ये रिएक्शन यूज होती है वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स। मूविंग ऑन, मेल्टिंग मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इनको कोई भी रिड्यूस नहीं कर पाता है, इन्हें सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी से ही रिड्यूस कर सकते हो, इसलिए हम लोग मोल्टन NaCl लेते हैं। याद रखना है मोल्टन पानी वाला नहीं, पानी वाला लेंगे तो ब्राइन बन जाएगा और प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। हम लोग मोल्टन NaCl को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na जो है सोडियम जो है वो कैथोड पे ऑप्टेन होगा और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे ऑप्टेन होगी। कैथोड और एनोड पे होने वाली स्पेसिफिक रिएक्शंस यहाँ मेंशन है। एक बार मेटल प्योर हो भी गया उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें रिफाइनिंग करनी पड़ती है। इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैथोड क्या ले रहे हो, एनोड क्या ले रहे हो और इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हो। तो कैथोड हम लोग लेंगे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, एनोड हम लोग लेंगे थिक स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल। ये तीन लेने के बाद जब हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट ब्रेकडाउन हो जाएगा कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में। ये कॉपर आयंस कैथोड पे जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल बना लेंगे। ये कॉपर आयंस कैथोड पे जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल बना लेंगे, जो इम्प्योर जो
कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा और कैथोड एज द रिएक्शन अप्रोचेस मोटा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर कम होता जा रहा है, तो एनोड से जो कॉपर है वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट में भेजेगा और एनोड को दो इलेक्ट्रॉन देगा और ये कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट से फिर जाएंगे कैथोड पे. सो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स एनोड से कॉपर आयन सोल्यूशन में जाएंगे और कॉपर आयंस सोल्यूशन से कैथोड पे जाएंगे. रिएक्शन के एंड तक एनोड इतना पतला. एज द रिएक्शन प्रोसीड्स जो कैथोड है वो मोटा होता जाएगा, एनोड जो है वो पतला होता जाएगा. जैसे जैसे एनोड पतला होता जाएगा अब ये यूजलेस हो जाएगा, इसमें हमें बहुत मेटल नहीं मिलेगा, इसलिए इसे फेंक देंगे. एनोड के नीचे हमको कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलेगी जिसे हम लोग एनोड मड कहते हैं, पर ये टेक्निकली इम्प्योरिटी नहीं होती. कितनी बार इसमें से नोबल मेटल्स मिलते हैं जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम. विथ दिस योर केमिकल रिएक्शंस ऑफ